हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बिल्कुल हलवाई जैसे सूजी की बर्फी रेसिपी। आप इसे सभी बारात में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले यहाँ पर आधा कप घी गरम कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। लो फ्लेम में एक से दो मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद अब हम उसी घी में एक कप सूजी डालेंगे। सूजी को हमें मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए ही भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। सूजी का कलर चेंज होते ही अब इसमें डालना है 4 चम्मच नारियल का बुरादा। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर, 4 चम्मच। से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, तो अब इसे दूसरे पैन में निकाल लेना है। अब सेम पैन में 1 कप पानी और 1 कप चीनी लेना है और इससे एक गाढ़ी चाशनी बनानी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो चीनी का क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। चाशनी गाढ़ी हो चुकी है तो अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और फ्राइड जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल देंगे। अब चाशनी में सूजी डालेंगे। सूजी डालते टाइम आपको एक हाथ से चलाते रहना है। अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते ही रहना है जब तक ना ये स्टिकी हो जाए। सूजी अभी अच्छे से स्टिकी हो चुकी है और ये पैन को छोड़ रही है, तो अब एक ग्रीस किया हुआ थाली में इसे पलट देंगे और अपने मनचाहे शेप से काट लेंगे। काटने से पहले और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स देंगे गार्निशिंग के लिए, ये ऑप्शनल है। अब मैं इसे बर्फी के शेप में काट लूंगी। इसे गरम गरम ही काट लेना है, ठंडा होने पर ये जम जाते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर बर्फी अच्छे से सेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे कम से कम 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें फीडबैक दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।